हेलो गाइस, वेलकम टू द बैलेंस। दोस्तों, कई युगों से इंसानों ने अपने आसपास के लोगों को एक पहचान देने के लिए कई तरह के रिलेशन बनाए हैं, जैसे माता पिता, दोस्त, पति पत्नी। लेकिन कई समय से इंसानों ने कुछ ऐसा रिलेशन को भी महसूस किया है, किसी खास व्यक्ति से कुछ ऐसा अलौकिक और जादुई रिश्ता महसूस किया है जो इतना अनकंडीशनल और सुपरनेचुरल है के इसे दूसरे आम रिलेशन के ऊपर माना गया है। प्राचीन काल से शिव शक्ति और राधा कृष्ण को इसी तरह के रिलेशन से जोड़ के देखा गया है, और हाल ही में इसे नाम दिया गया है ट्विन फ्लेम्स का। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें इंसान अपने जीवन के खास पड़ाव पे किसी खास व्यक्ति से मिलने के बाद ऊर्जा के स्तर पे खुद को उस व्यक्ति के और उस व्यक्ति को खुद का हिस्सा मानने लगते हैं। आसान भाषा में किसी के मिलने के बाद हमें लगता है हम दो जिस्म एक जान है, और उसके बाद से हम मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोथ करने लगते हैं। दोस्तों, ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और ट्विन फ्लेम बनते कैसे हैं, इसे लेकर एक्सपर्ट में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थियोरी है। तो आज के वीडियो में आइए देखते हैं ऐसा ही कुछ दिलचस्प थियोरी को। दोस्तों, थियोरी नंबर वन सबसे ज़्यादा मानने वाली थियोरी है और ज़्यादातर एक्सपर्ट इसी को ही फॉलो करते हैं, और इस थियोरी को द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड जैसा बहुत सारे किताबों में एक्सप्लेन किया गया है। इस थियोरी के हिसाब से हर एक आत्मा गॉड तक पहुंचने की एक खास जर्नी में है, और जैसे हम स्कूल पास करने के बाद कॉलेज जाते हैं और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाते हैं, वैसा ही हर आत्मा अपने एसेंशन की जर्नी को पूरा करते हुए एक छोटे यूनिवर्स से एक बड़े और ताकतवर यूनिवर्स पे जाते हैं, और उसमें लर्निंग कंप्लीट करने के बाद उससे भी बड़े यूनिवर्स पे जाते हैं। ऐसा ही करते हुए वो आत्मा आखिर में गॉड से मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से हम सभी एक सोल हैं जो गॉड से मिलने की जर्नी में हैं। आप मान लेते हैं अभी हम जो यूनिवर्स में हैं वो है यूनिवर्स ए, और इस यूनिवर्स में हमारे लर्निंग ख़त्म होते ही हम लोग एनलाइटनमेंट पाके यूनिवर्स बी में चले जाएंगे। अब हमारे इस यूनिवर्स में पास करने के लिए हमें आत्मा के जगत या स्पिरिट वर्ल्ड या स्वर्ग के 7 लेवल को पार करना पड़ता है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ है। और किसी का आत्मा का कितना विकास हुआ है और वो कितना गुड वाइब्रेशन में है, इसी हिसाब से आत्मा इस लेवल में ऊँचे लोक पर रहते हैं। और इसी 7 लोक या लेवल के भी 0 से 9 तक हर एक लेवल का 10 स्तर होता है, और हमें इस ग्रोथ में सिखाने के लिए बहुत सारे प्लैनेट्स को स्कूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इसी स्कूलों में से हमारा मदर अर्थ एक स्कूल है जहां हम लेसन सीखने के लिए आते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड के 7 लेवल के बारे में विस्तार में हम किसी दूसरे वीडियो में बातें करेंगे। अभी 7 लोकों में से 4 नंबर के लोक में आके आत्मा विकास करके मनुष्य की आत्मा बन जाते हैं, और इसके बाद कुछ लोग तो ऐसा ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ आत्मा अपने अंदर के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को अलग करके दो टुकड़ों में बांट जाते हैं, और बार बार पृथ्वी जैसा कई ग्रह पे एक साथ जन्म लेके एक दूसरे को विकास में मदद करते हैं। कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से 5% आत्मा ही ऐसा खुद को दो भागों में बांटते हैं, जिन्हें अब ट्विन फ्लेम्स कहा जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है, इसलिए 5% लोगों का ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बाकी 95% लोगों का उनके ट्विन फ्लेम अपने ही अंदर होते हैं। इसके बाद ट्विन फ्लेम्स आत्मा का विकास करके स्पिरिट वर्ल्ड के 7 पे लोग में या लेवल 7 में जाने के बाद फिर से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और वहाँ से नेक्स्ट यूनिवर्स में चले जाते हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट इसी थियोरी को ही सही मानते हैं, लेकिन मार्केट में ट्विन फ्लेम्स को लेकर और भी कुछ थियोरीज हैं। दूसरे थियोरी के हिसाब से यूनिवर्स में हर एक चीज़ एक खास तरह के फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, और हम अपने लाइफ में उन्हीं चीज़ों को या व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे वाइब्रेशन से काफ़ी हद तक मैच करते हैं। और गॉड या यूनिवर्स जब किसी सोल को बनाते हैं तब वो उन सोल के सेम वाइब्रेशन का और एक सोल बनाते हैं, ताकि वो दो सोल एक दूसरे को स्पिरिचुअल एसेंशन में मदद कर सके
और इसी सेम वाइब्रेशन के सोल को अब ट्विन फ्लेम्स कहा जाता है। और दोनों के ही वाइब्रेशन बिल्कुल सेम होने की वजह से जब धरती पे वो दोनों मिलते हैं तब उन्हें एक दूसरे को लेकर इंटेंस कनेक्शन महसूस होते हैं और एक दूसरे को लेकर सोल लेवल पे कनेक्शन महसूस करते हैं। इसके अलावा मार्केट में और भी कई थियोरी ट्विन फ्लेम्स को लेकर चल रहे हैं। कुछ थियोरी के हिसाब से बहुत ही प्राचीन समय में कुछ तांत्रिक साधनाएं ऐसा था जिसके जरिए इंसान किसी और व्यक्ति से एनर्जी के लेवल पे जुड़ सकते थे, और उस दौर में हो सकता है बहुत सारे सोल्स स्पिरिचुअल साधना के लिए एक दूसरे से एनर्जी के स्तर पे जुड़ गए थे, और अब वो बार बार एक साथ जन्म लेके एक दूसरे को स्पिरिचुअली ग्रोथ करने में मदद कर रहे हैं, और उन्हें ही अब ट्विन फ्लेम्स कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था ट्विन फ्लेम्स बनने को लेकर कुछ पॉपुलर थियोरी। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो इसमें से कौन सी थियोरी को आप सपोर्ट करते हो, या फिर आपके पास कोई और थियोरी या जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।